अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिमल इम्यून रिस्पॉन्स, कि ऑप्टिमल इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। तो ऑप्टिमल से अब मुराद क्या होता है, मुनासिब के मतलब दरमियाना, मुनासिब जो जहाँ पे हमारा मतलब के वर्क बेस्ट हो रहा हो। जिस तरह हमारी बॉडी का हम कहते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो क्या है कि ऐसा टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी का जहाँ पे हमारी बॉडी की वर्किंग जो है मैक्सिमम हो रही होती है। और ये भी है कि वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम रिस्पॉन्स जो सा इम्यून सिस्टम टॉलरेट कर सके। अब मैक्सिमम इस वे में कि मतलब के वो बेनिफिशियल, मैक्सिमम बेनिफिशियल वर्क। अब ये ना हो कि मतलब जिस तरह हम हार्ट रेट की एग्जांपल लेते हैं कि इसकी जो सी नॉर्मल जो सी रेंज है वो है 70 to 72। और अगर मतलब कि 70 to 72 पे मतलब अगर हमारा हार्ट रेट होगा तो वो हमारा हार्ट उस रेट पे मैक्सिमम वर्क कर रहा होता है। अब ये तो नहीं है कि इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब इससे ऊपर अगर जाएगा, जिस तरह अब 100 से अबव चला जाए तो वो क्या हो जाता है, अब रेट तो वो मैक्सिमम 100 से अबव हार्ट बीट जा रही है, लेकिन वो क्या है, वो बेनिफिशियल नहीं है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। इसी तरह जो सा है हमारा इम्यून सिस्टम वो कम जोन सा है वो भी इसी तरह होता है कि कम जोन सा हो जाए तो वो भी नुकसानदेह होता है। तो मतलब कि ये ऑप्टिमल सा हमारा होना चाहिए सिस्टम में। तो ऑप्टिमल इम्यून रिस्पॉन्स कब होगा, जब हमारे पास ऑप्टिमल सिग्नल्स आएंगे तो उसके रिजल्ट्स में हमारे पास ऑप्टिमल इम्यून रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। और पाल्पिटेशन क्या होता है, हाई हार्ट रेट। यही कि मैंने हार्ट बीट की जो एग्जांपल दी कि अगर हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो उस कंडीशन को हम पाल्पिटेशन बोलते हैं। फिर मैंने पीछे जो आपको बताया था हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स का, कि वो आगे जो सा है तीन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट होते हैं, लीकोसाइट्स में और एरिथ्रोसाइट्स में और मेगाकैरियोसाइट्स में। लीकोसाइट्स का फिर कहा था हमने कि वो कॉमन मेलोइड प्रोजेनिटर और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर के अंदर चेंज होते हैं। कॉमन मेलोइड प्रोजेनिटर जो सा था वो हमारे पास आगे मैक्रोफेज में और न्यूट्रोफिल, सिनोफिल, बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स और इसी इन चीज़ों में जो सा इनके अंदर कन्वर्ट हो रहा था कॉमन मेलोइड प्रोजेनिटर। और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर जो सा था वो बी और टी सेल्स बना रहा था, ठीक है। यहाँ पे अब बात की जाती है कि ट्रांस डिफ्रेंशिएशन की, कि ये एक ट्रांस डिफरेंशिएशन क्या है कि जिसके अंदर एक सेल अपनी आइडेंटिटी लूज करके किसी दूसरे सेल के अंदर कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे एग्जांपल दी है मैक्रोफेज की। मैक्रोफेज की उन्होंने कहा है कि सपोज करें कि मैक्रोफेज के अंदर फैक्टर ए पाया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर कि फैक्टर ए उसके अंदर मौजूद है और ये फैक्टर जो सा है डिसाइड करता है कि ये वाला अगर किसी सेल के अंदर फैक्टर ए पाया जाए तो ये डिसाइड करेगा कि ये सेल जो सा है मैक्रोफेज है, ठीक है। अब ये समझ सकते हैं कि फैक्टर ए जो सा है मैक्रोफेज की कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है। अब यही अब अगर हमारे पास बी और टी सेल जो हैं उनके अंदर हम फैक्टर ए डाल देंगे, ऐड कर देंगे फैक्टर ए को बी या टी सेल के अंदर, तो अब बी और टी सेल के अंदर क्या होंगी, मैक्रोफेज की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, क्योंकि फैक्टर ए जहाँ पे होगा वो जो सा है मैक्रोफेज की कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा। इसी तरह जो सा है अगर अब हमने बी और टी सेल को कम्प्लीटली मैक्रोफेज बनाना है तो अब कुछ हमने हमारे पास इस तरह भी होगा ना कि कुछ फैक्टर होंगे जो बी की करेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं, तो हमें फिर उन क्या करना पड़ेगा, उस बी फैक्टर को भी रिमूव करना पड़ेगा। पहले देखें कि जो सा है हमने फैक्टर ए डाला तो उस समय जो सा बी या टी सेल थे उसने करेक्टरिस्टिक अटेन कर ली मैक्रोफेजेस की। अगर हम मैक्रोफेज में से फैक्टर ए को रिमूव कर दें तो मैक्रोफेज क्या है, अपनी करेक्टरिस्टिक लूज कर देगा। मतलब कि फैक्टर ए है तो वो मैक्रोफेज है, अगर फैक्टर ए ना रहा तो वो मैक्रोफेज ही नहीं रहेगा, वो सिंपल सेल बन जाएगा। तो ठीक है, ये वाला जो है ट्रांस डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। अगर हमने जो से बी सेल है कम्प्लीटली कन्वर्ट करना है मैक्रोफेज में तो हम उसके अंदर बी सेल में से फैक्टर वो वाला रिमूव कर देंगे जो बी सेल की करेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा है। अब सपोज कर लें कि फैक्टर ए जो सा है मैक्रोफेज की करेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा है और फैक्टर बी जो सा है वो बी सेल की करेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा है। तो अब हमने अगर हमने बी सेल को मैक्रोफेज बनाना है तो हम दो काम करेंगे। पहला तो ये है कि फैक्टर ए जो सा है वो बी सेल के अंदर ऐड कर देंगे ताकि वो मैक्रोफेज के अंदर कन्वर्ट हो जाए। फिर हम करेंगे कि बी फैक्टर बी को बी सेल में से रिमूव कर देंगे ताकि मतलब के जो बी सेल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो खत्म हो जाएं, मैक्रोफेजेस की सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक रहें और बी सेल जो सा है कम्प्लीटली मैक्रोफेज के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और यहीं पर जो सा है इसकी एग्जाम्पल जो सी है यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं। हाँ, ट्रांस डिफरेंशिएशन जो सा है इन विट्रो प्रोसेस है।
अब मैंने पिछले लेक्चर में आपसे चेंजेस का जिक्र किया था, एसोसिएटिव चेंजेस और कॉजिटिव चेंजेस। मैंने कहा था कि जो हमारे पास कॉजिटिव चेंजेस होते हैं उसके अंदर आइडेंटिटी चेंज हो जाती है सेल की, और ये भी था कि जब आइडेंटिटी अगर सेल की चेंज हो जाती है, कम्प्लीटली एक सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं हो रहा होता, ये जो सा है इनविट्रो प्रोसेस है, जिसमें हम खुद जो सा है एक सेल को दूसरे सेल के अंदर चेंज करते हैं, और ये जो सा है ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टाइप्स आती हैं टी सेल की। टी सेल के दो टाइप्स हैं हमारे पास, हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, हेल्पर टी सेल जिनसे उनके ऊपर CD4 रिसेप्टर होते हैं और साइटोटॉक्सिक पे CD8 होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, इसको हम नेक्स्ट जो है कंप्लीट डिटेल के अंदर देखेंगे। अब हमारे पास दूसरा आता है मॉलिक्यूलर प्रोफाइल। मॉलिक्यूलर प्रोफाइल मतलब कि किन चीज़ों पर बेस कहती है, तो ये चार चीज़ें हैं, एपिजिनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स। अब इनको मल्टीओमिक्स कहते हैं क्योंकि इन सबके एंड पे देखें ओमिक्स आ रहा है, तो ये मल्टीओमिक्स हैं और मॉलिक्यूलर प्रोफाइल जो है मल्टीओमिक्स पे बेस करती है। ठीक है, अब दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि एपिजिनोमिक्स क्या होता है हमारे पास। एपिजिनोमिक्स क्या है कि जीन्स की एक्सप्रेशन, जीन का ऑन ऑफ होना हमारे पास एपिजिनोमिक्स में आता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन हमें पता है कि DNA से जो है मैसेंजर RNA बनना होता है, तो ये सारा प्रोसेस जो है हम ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में देखते हैं। प्रोटियोमिक्स हमारे पास है प्रोटीन की वर्किंग, प्रोटीन कहाँ पे वर्क कर रही है, किधर वर्क कर रही है, किधर वर्क नहीं कर रही है, या क्या क्या वर्क कर रही है, तो ये सारा कुछ जो है हम प्रोटियोमिक्स में देखते हैं। फिर है हमारे पास मेटाबोलोमिक्स, तो मेटाबोलोमिक्स जो है हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, कि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उससे कौन से मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, कौन से जो से हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कौन से न्यू मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन रहे हैं, तो ये सारा जो सा है ये मेटाबोलोमिक्स के अंदर आ जाता है। अब हमारे पास आ जाता है MHC रिस्ट्रिक्शन ऑफ टी सेल, कि MHC रिस्ट्रिक्शन जो है टी सेल के अंदर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो सा हमारे पास ये एंटीजन आता है। ठीक है, एंटीजन जो सा है ये हमारे पास जो सा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आएंगे उसके इंगल्फ कर लेगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को इंगल्फ करके ये पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये एंटीजेनिक पेप्टाइड्स ही हैं जो डिजीज काज करती हैं। ठीक है, एंटीजन पेप्टाइड्स के अंदर कर लिया, आप समझ लें कि ये जो सा है इधर आ गया इस सेल के अंदर, इसके अंदर MHC2 आ गया। ठीक है, MHC2 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ आके अटैच हो गया। अब ये जो सा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस के ऊपर जाके शो होगा। ठीक है, MHC2 अंदर से निकल गए जो सा है ये सरफेस के ऊपर चला गया, ये सरफेस के ऊपर आ गया। अब ये जो सा है इसके ऊपर एंटीजन है, तो ये टी सेल जो सा है आके MHC2 को रिकॉग्नाइज करके इसके साथ बाइंड कर देगा। जैसे ही ये बाइंड करेगा तो ये जो सा है हमारे पास सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वैसे बाइंडिंग नहीं होगी, MHC2 के ऊपर जब एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ये बाइंडिंग हो जाएगी और टी सेल जो सा है बाइंड कर लेगा, और ये जो सा है ये देखें ये जो सा है सिग्नल देगा। ठीक है, टी हेल्पर सेल जो सा ही सिग्नल देने शुरू कर देगा। अब ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, इससे इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो गया, ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अगर वैसे एंटीजन आता है और टी सेल के साथ, तो वैसे जो सा एंटीजन टी सेल के साथ कभी अटैच नहीं होता, हमेशा MHC2 के साथ जब एंटीजन अटैच्ड होगा तभी जाके वो टी सेल के साथ अटैच होगा, तभी हमारे पास जो सा है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो अब ये देख लें के जो सा है एंटीजन जो सा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इनगल्फ किया, उसके पेप्टाइड्स बने, पेप्टाइड्स जो से हैं MHC के साथ जाके अटैच हुए, MHC को फिर टी सेल ने रिकॉग्नाइज किया। अगर वैसे होगा टी सेल मतलब कि MHC के बगैर होगा तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स जो सा है प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ MHC के साथ ही ये रिस्पॉन्स शो करेगा। इसमें अब आपने ये याद रखना है कि जो MHC2 है इसके साथ CD4 रिसेप्टर होता है। ठीक है, CD4 रिसेप्टर जो सा है रिकॉग्निशन के अंदर अपना रोल प्ले करता है। बाकी जो MHC की डिटेल है, MHC1, MHC2, CD4, CD8, इसकी डिटेल जो सा है सर नेक्स्ट लेक्चर्स में बताई है, तो जब वो आएंगे मैं तब इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगी, तब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी आपने ये जो है MHC रिस्ट्रिक्शंस जो सा है ये याद रखना है, टी सेल की MHC रिस्ट्रिक्शन कैसे होती है, किस तरह एंटीजन आता है APC सेल जो से हम उसका पेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर जो सा MHC2 के साथ जाकर अटैच होकर सरफेस के ऊपर अपेयर होते हैं, और टी सेल जो सा है MHC2 को रिकॉग्नाइज करके एंटीजन को अटैच होकर सिग्नल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये बस आपने अभी फिलहाल याद रखना है।
और दूसरी बात ये कि जो सा टी सेल है इसकी एंटीजन के साथ सिग्नलिंग जो सी है या अट्रैक्शन है इतने टाइम के लिए हो कि वो जो सा इसको रिकॉग्नाइज करके टी सेल मतलब कि सिग्नल प्रोड्यूस कर सके, इतनी होनी चाहिए। और ज़्यादा स्ट्रोंग भी अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, वरना जो सा टी सेल है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है, मतलब जैसे थक जाता है। तो ज़्यादा सिग्नल मतलब मिलेंगे, ज़्यादा टाइटली अटैचमेंट होगी तो भी प्रॉब्लम है, और अगर बहुत कम होगी तो भी होगा कि टी सेल जो सा है सिग्नल जनरेट नहीं करेगा। तो ये एक ऑप्टिमल जोन सा है, या मतलब ऑप्टिमल टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए इनकी आपस में जोन सा है अटैचमेंट होनी चाहिए कि जोन सा है टी सेल एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके सिग्नल प्रोड्यूस कर सके।